अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल खाना हिंदुस्तानी में आपका स्वागत है। तो आइए आज मैं आपके साथ मटन स्टू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 500 ग्राम मटन लिया है, इसको वॉश करके रखा है। 3 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको भी रफली चॉप कर दिया है। 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटोज लिए थे, इसको भी रफली चॉप कर दिया है। और 200 ग्राम मैंने यहाँ दही ली है। इसके अलावा कुछ रेड चिलीज और ग्रीन चिलीज हमें चाहिए होंगी। ये मैंने 5 मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इसको तिरछा काटा है इस तरह से, ये देखिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको जुलियन कट किया है मैंने। 5 मैंने लाल मिर्च ली है, इसको भी बड़ा बड़ा काट दिया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हमें गरम मसाला चाहिए होगा, ये हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। और कुछ खड़े मसाले हैं जो कि इस तरह से हैं। 1 टीस्पून जीरा लिया है हमने यहाँ भर के। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, सिनेमन स्टिक का। 8 लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात लिए हैं मैंने। और कुछ पाउडर मसाले भी हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ भर के कोरिएंडर सीड्स ली थी और 2 टीस्पून ही मैंने सौंफ ली थी, इसको रोस्ट करके इसको क्रश कर दिया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ भर के कोरिएंडर पाउडर का लिया है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। एक कुकर में मैंने 200 ml ऑयल गरम कर लिया था। अब हम ये खड़े मसाले इसमें डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। प्याज को हल्का सा सौते कर लिया है, 3 से 4 मिनट लगे हैं हमें हल्का सा सौते करने में। इसके बाद अब हम मटन डाल देंगे और मटन डालने के बाद भी इसको फ्राई करेंगे हम 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तीन से चार मिनट हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और 3 से 4 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भी इसको भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। मटन को भूनना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया है और अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। धनिया, मिर्चें, हल्दी, नमक सब डाल देंगे और ये भुना कुटा जीरा और भुना कुटा धनिया भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले सभी बूटियों पर अच्छी तरह से लग जाए। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटोज। तो ये मैं टमाटोज डाल रही हूँ इसके अंदर। टमाटोज डालने के बाद भी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। भुनाई स्टू में शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसमें रेड चिलीज डाल देंगे जो अभी हमने कट करके रखी थी। जिंजर भी डाल देंगे। हरी मिर्च अभी हमें नहीं डालनी, हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हरी मिर्च हमने अभी डाल दी तो वो गोश्त के साथ बिल्कुल टेंडर हो जाएगी, घुल जाएगी बाद में, इसलिए हम इस हरी मिर्च बाद में डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे भी भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे अभी। और अब 50 ml के करीब पानी डाल देंगे हम ताकि हमारा मटन टेंडर हो जाए। पानी हम कम ही डालेंगे क्योंकि अभी सब चीज़ें पानी रिलीज़ करेंगी। और अब हम इसके लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर देंगे 1 विसल। फिर उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम करने के बाद 4 विसल देंगे। 5 विसल आ चुकी हैं और इसका प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका था।
आइए अब देखते हैं। मटन में अभी थोड़ा सा पानी है क्योंकि सभी चीज़ों ने पानी रिलीज किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और मटन को चेक कर लेंगे कि टेंडर हुआ या नहीं। तो मटन हमारा यहाँ टेंडर हो चुका है। मटन का पानी खुश करने के लिए अब हम गैस ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसका पानी खुश करेंगे ताकि सारा पानी एवोपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम दही भी डाल देंगे क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो साथ ही साथ दही का पानी भी एवोपरेट हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे। सालन हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है, दही का पानी भी एवोपरेट हो चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है, ये देखिए चारों तरफ। और अब यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं जो मैंने कट करके रखी थी, लेकिन डालते वक्त मैं आपको दिखाना भूल गई, सॉरी। ऑयल ये सेपरेट हो गया है, देखिए सालन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। स्टू की भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये सालन बनता है। तो अब सालन भुन चुका है, यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप डालना चाहें। लेकिन दोस्तों स्टू में पानी थोड़ा सा कम ही डलता है क्योंकि ये सब चीज़ें भी पानी अपना रिलीज़ करती हैं, पानी की मकदार हम कम ही रखते हैं स्टू में। तो अब इसे हल्का सा पका लेंगे ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए, साफ़ कर लेंगे चारों तरफ से। और अब इसका ढक्कन ऐसे ही ढक देंगे और 2 मिनट इसे पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो आइए देखते हैं, आप इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, चारों तरफ फैलाते हुए डाल देंगे। और इसके बाद हम कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे, चारों तरफ फैलाएंगे और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और ये मटन स्टू हमारा अब बनकर तैयार है एकदम, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ढक देंगे और 2 मिनट के बाद इसे करते हैं डिश आउट। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा मटन स्टू, ये बहुत ही टेस्टी बना है, अभी मैंने टेस्ट भी किया था। ये देखिए, आप इसे रोटी चपाती चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप भी अपने मेहमानों को खिलाइए और ख़ुद खाइए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। खाना हिंदुस्तानी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।